गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल अंडरस्टैंड विंडो एंड इट्स कंपोनेंट्स। जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें हमें अलग अलग ये आइकन भी दिखाई देते हैं। तो इन्हें हम समझेंगे कैसा क्या कहते हैं। जैसे कि सबसे जो हमारे पास ये स्क्रीन दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। और ये जो कॉर्नर में हमें दिखाई दे रहा है, ये कंप्यूटर जैसा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं माय कंप्यूटर। इसके ऊपर हमें दिखाई दे रहा है माय डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर हमारी फाइलें सेव होती हैं। जो भी हम फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे वो सेव हो जाती है। और ये नीचे दिखाई दे रहा है रिसाइकल बिन, जिसमें कि जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं तो सबसे पहले रिसाइकल बिन में चली जाती है, और वहाँ से हम उसे दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे है शॉर्टकट ऑफ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिससे कि हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। उसी के नीचे दिखाई दे रहा है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टकट आइकन्स, तो इन्हें हम आइकन बोलते हैं। जो भी हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसका आइकन हमारे डेस्कटॉप पे बना हुआ आ जाता है। उसके बाद ये नीचे है स्टार्ट बटन है, जहाँ से कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इस पर हम क्लिक करके हमारे पास प्रोग्राम की लिस्ट ओपन हो जाती है, जहाँ से हम प्रोग्राम सर्च करते हैं हमें कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है, तो वो प्रोग्राम हम ओपन कर लेते हैं और वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। उस पर हम वर्क कर सकते हैं। और जो ये नीचे के जो हमें ये आइकन दिखाई देते हैं, तो इसे कहते हैं टास्क बार। इसमें हम जो भी विंडो हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो हमें शो हो जाती है, हमें दिखाई देती है। ये जैसे दिखाई दे रहा है एक्टिव एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे होते हैं, जो हम ओपन करते हैं तो वो हमारी एक्टिव एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट, जैसा कि इसमें दिखाया गया, ये है हमारा डेस्कटॉप है। इसमें जो भी हमारी प्रोग्राम इंस्टॉल हम करते हैं तो उनके आइकन यहाँ पे बने हुए आते हैं, और यहाँ से हम उन्हें डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, और माय कंप्यूटर के अंदर हम एंट्री करके वहाँ से हम उन्हें ओपन कर सकते हैं। और यहाँ हम जो आइकन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट इन्हें ओपन कर सकते हैं, इन्हें हम ओपन करके इन पर हम वर्क कर सकते हैं डेस्कटॉप से। उसके बाद ये है माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर के अंदर हमारी जो भी ड्राइव होती है वो सारी ओपन होती हैं, और उसके अंदर हमारी सारी ड्राइव होती है। ड्राइव के अंदर हम फिर ओपन करके उसके अंदर से हम हमारी जो भी फाइल होती है हमारी सारी यहीं पर सेव होती हैं। यहाँ से हम अलग अलग ड्राइव में उन्हें सेव कर सकते हैं, और जब हमें वो ओपन करनी है तो यहाँ से हम उसे ओपन करके वो स्लाइड ओपन कर सकते हैं। ऊपर हमारी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर हम माय डॉक्यूमेंट्स होता है, पिक्चर होती है, वहाँ पर हम उन्हें सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हम विंडो ओपन करते हैं तो इनमें ये तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ये जो माइनस का जो बटन है ये होता है मिनिमाइज का, इससे हम जो भी विंडो ओपन करते हैं उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर सेंटर में है मैक्सिमाइज बॉक्स का बटन, इस पर क्लिक करके हम उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और लास्ट में क्रॉस का बटन है, जिससे कि हम उस फाइल को, उस विंडो को क्लोज कर सकते हैं, वहाँ से हट जाएगी। नेक्स्ट है शॉर्टकट। जैसा कि अभी हमने देखा, जो आइकन जो होते हैं ये शॉर्टकट ही होते हैं हमारे। यहाँ से हम इन्हें शॉर्टकट बना के हम इन्हें डायरेक्ट डेस्कटॉप पे डाल सकते हैं, और वहाँ से हम इन्हें ओपन कर सकते हैं। जब भी हमें उस पर कोई वर्क करना हो तो हम डायरेक्ट वहीं से ओपन करके उसमें हम वर्क कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, एक्टिव विंडो, इनएक्टिव विंडो, मूविंग विंडो। तो जिस विंडो पे हम वर्क कर रहे होते हैं वो हमारी होती है एक्टिव विंडो, और जिस विंडो को हम ओपन करते हैं लेकिन हम उसे फिर वर्क नहीं करते हैं, उसे हम मिनिमाइज कर देते हैं, उसका हम यूज नहीं करते हैं, तो वो होती है इनएक्टिव विंडो। तो कंप्यूटर में हम एक साथ हम कई विंडो पे वर्क कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। उसमें एक साथ हम कई चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें वन बाय वन हम उनमें
वर्क कर सकते हैं और उन्हें ओपन करके हम वर्क कर सकते हैं, और जिस पर भी हमें काम करना उसे ओपन कर लेंगे, उस पर हम वर्क करेंगे, फिर उसे मिनिमाइज करके हम दूसरी विंडो ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसमें एक ही समय कई सारे काम हम विंडो में कर सकते हैं। क्विक रिव्यू, व्हाट कैन यू टेल फ्रॉम टास्क बार 1 एंड 2 अबाउट द ओपन विंडोज। तो इस तरह से हम विंडो ओपन कर सकते हैं और उन पर हम वर्क कर सकते हैं। इज दिस एन एक्टिव और इनएक्टिव विंडो। व्हाट यू कैन टेल अबाउट द साइज ऑफ द विंडो। हमारे पास जो दो विंडो हम ओपन करते हैं, एक्टिव विंडो इनएक्टिव विंडो, तो उनमें हम जिस पर वर्क करते हैं वो एक्टिव विंडो होती है, जिससे हम वर्क नहीं कर रहे थे तो वो हमारी इनएक्टिव विंडो होती है। तो हम एक साथ कई विंडो पे काम कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन्हें जितने हम विंडो ओपन करते हैं तो हमारी जो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग फिर वो वर्क करती है। जितनी हम ज़्यादा विंडो ओपन करते हैं तो स्पीड उसकी कम हो जाती है, लेकिन हम एक साथ कई विंडो पे वर्क कर सकते हैं, और जिस पे हम वर्क करते हैं उसे हम ओपन कर लेंगे, और जिसे हम वर्क नहीं करना है तो उसे मिनिमाइज कर लेंगे। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं एक ही समय में विंडो पे। जैसे कि यहाँ में बताया गया एक्टिव विंडो इनएक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो ए विंडो दैट इज करेंटली सेलेक्टेड एंड हुज कंटेंट विल बी अफेक्टेड बाय द माउस ऑल माउस एक्शंस कमांड एंड टेक्स्ट एंट्रीज टाइपिंग यूजिंग बटन मेन्यूज एट्सेट्रा। इनएक्टिव विंडो ए विंडो दैट इज ओपन बट अनअवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग एनी वर्क। एंड इनएक्टिव विंडो विल ऑलवेज बी गेज आउट। तो जो एक्टिव विंडो होती है उसे हम ओपन कर लेते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं टेक्स्ट या फिर जो भी हमें टाइप वर्क करना है, माउस से हम क्लिक करते हैं या फिर कीबोर्ड से उस पर वर्क करते हैं, वो एक्टिव विंडो होती है। और जो इनएक्टिव विंडो होती है उसे हम मिनिमाइज कर लेते हैं, उसका हम उस समय यूज नहीं कर लेते, तो हमारी इनएक्टिव विंडो होती है उसे मिनिमाइज करके कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था जो माइनस वाला बटन है उससे हम उसे मिनिमाइज कर लेते हैं, वो हमारी नीचे टास्क बार में आ जाती है, उसे हम बाद में हमें जब यूज करना हो तो हम उसे भी ओपन कर सकते हैं। तो ये था एक्टिव विंडो इनएक्टिव विंडो। ओके क्लास, थैंक यू।